بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. तो गाइस आज हम करने वाले हैं दुबई फ्रंट ओपन अबाया कटिंग. तो आइए सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं. ये आप देख सकते हैं लेंथ जो है हमारी 57.5 है, चेस्ट 45 है, 12 इंच की इसमें लूजिंग है और सिलाई का मार्जन है, और बेस्ट है हमारा 39, 12 इंच की इसमें लूजिंग है, बुरके में एक का नाप होता नहीं है, और इसकी आस्तीन की लेंथ जो है 27 है, और नीचे का जो दामन जिसे हम बोलते हैं बॉटम, ये 67 इंच है वन साइड का. शोल्डर है इसका 15, और आर्म होल जो हम इसका रखेंगे 11 इंच. मोरी जो बनाएंगे हम आस्तीन की मोरी बनाएंगे 6 इंच, और 8 इंच इसमें हम लूजिंग देंगे, बेल मोरी हम बनाएंगे तो बारह इसके बराबर मोरी रखेंगे हम 14 इंच. तो हवाई में जो हमारा कपड़ा लगता है, कपड़ा हमारे इधर रखा है, कपड़ा अबाया में जो लगता है 3 मीटर लगता है, ये हमारा कपड़ा एक आधा मीटर ज़्यादा 3.5 मीटर का कपड़ा है. तो आइए हम इसकी कटिंग करते हैं. ये देख सकते हैं कि अबाया का हमने पैटर्न बनाया है, वैसे ही अबाया बनाना है, फ्रंट ओपन अबाया. तो हम बिछाते हैं इसका कपड़ा. सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं, फिर कपड़े के हम दो हिस्से कर लेते हैं. 57 हमारी लेंथ है, 2 इंच का हमें मार्जिन चाहिए एक्स्ट्रा, और 1 इंच हम इसे कपड़ा फालतू काट लेते हैं, हम इसका टोटल कपड़ा काट लेते हैं 16 इंच. हम ये इसके बिछाते हैं बैग. पहले आपको कपड़े में उल्टा सीधा चेक करना है, उल्टा बाहर रखना है, सीधा अंदर करना है. कपड़ा पहले हमें ऊपर से बराबर करना है, और हम इसमें इसके पहले लगा देने से कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं भागे. आगे पीछे ना हो और बिल्कुल लेग्स पे हमको पहले पट्टी मार लेनी है, जिससे जो कपड़ा हमारा कम्बर्टी होगा नीचे का वो बिल्कुल एकसार हो जाएगा. तो ये हमारा कपड़ा फाइनली पे बिछ चुका है. तो अब हमको ऊपर से आधा इंच हटा के एक निशान लगा देना है, आधा इंच हटा के किनारे से आधा इंच हटा के हमको एक निशान लगा देना है. तो ये हमने आधा इंच का निशान लगा दिया, आधा इंच हमने ये इधर लगा दिया है, ये निशान हमको सीधा कर लेना है पट्टी की मदद से. एक निशान हमें इधर किनारे की तरफ लगा देना है, जितने से हमारा किनारा है किनारा सारा काटना है इसका. ये हमारा तो लग गया, अब हमको निशान लगाना है आराम होन का. आराम होन जो हमारा है, आराम होन इसका 11 इंच, और हमें दुबई से भी अब अवाया बनाना है, इस मॉडल का हमें अवाया बनाना है. आप देख सकते हमारा सैंपल है, तो हम आराम होन जो हमारा इसका है 11 इंच, हमको यहाँ से लगाना है 11 इंच. आराम होन का 11 इंच हमको ये लगा देना है, इस निशान को हमें यहाँ तक सीधा कर देना है. इस निशान से 7 इंच हमें नीचे पेट का निशान लगाना, पेट का मार्क लगाना है,
7 इंच ये हुआ हमारा, और 7 इंच ये हुआ, एक निशान हुआ, हमें सीधा कर लेना है। अब हमको यहाँ से निशान लगाना है लेंथ का, अब हमको निशान लगाना है लेंथ का। यहाँ से हमको 3 इंची हटाने के बाद, किनारे से हमको ये 3 इंच हटाने के बाद लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ हमारी इसकी है 57, तो हमको ये किनारे पर रखनी, मार्क पर रखना है नीचे, तो 57 का निशान लगाना है। इससे पहले कि नीचे हमारा कपड़ा है, इससे पहले हम इधर हम सेफ्टी पिन लगा देते हैं। ये अब हमने पिन लगाई, हमारा तो कपड़ा कटेगा, इधर हम सेफ्टी पिन लगा देते हैं, हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागे ज्यादा। ये हमारी पिने लग चुकी हैं, हमने 57 लेंथ का मार्क लगाया है। पूरे पे हमें यहीं से रख के 57 इंच की लेंथ का मार्क लगाना है। मैं आपको एक पिन बता दे दिए, यहाँ से हम पिंडी जब घुमाते हुए हर तरफ 57 इंच का मार्क लगाएंगे। दो इंच हमें इसमें फोल्डिंग करना है अंदर, 57 और 2 हमारा 59। ये हमारा लेंथ का मार्क लग चुका है, अब हमको ये यहाँ से सेफ्टी पिन निकाल देनी है। और ये निशान जो हमने लगा है, इस निशान को हमें ये घेरे कर लेने हैं तक की मदद से। ये देख सकते हैं हमारा लेंथ का मार्क लग चुका है, अब हमको मार्क लगाना है शोल्डर का। ये निशान पे ज्यादा सीधा कर लेना है ऊपर तलक। शोल्डर हमारा इसका है 15, 15 का हमको हाफ करना है, तो 15 का हाफ हमारा बना 7.5, तो हमको यहाँ से 7.5 लगा देना है पहले। अब हमको यहाँ से ही आस्तीन की लेंथ का मार्क लगाना है इसी में, तो आस्तीन की लेंथ हमारी 27, तो हमको यहाँ से ही 27 नापना है, फिर मार्क लगा देना है। ये रखते मेरी लेंथ यहाँ बराबर आ रही है 27, जहाँ हमारा इसका किनारा है जॉइंट इसका, वहां पर हमारी 27 लेंथ पूरी आ गई। और हमको ये ऊपर से 2.5 इंच क्रॉस कर देना है नीचे को आस्तीन के लिए, हमको ये मार्क जो इस मार्क पर ही सीधा कर देना है, सीधा कर देना है। ये हमारा जो है आस्तीन का मार्क लग चुका है। ये हमारा आस्तीन का मार्क लग चुका है, अब हमको आस्तीन की मोरी का मार्क लगाना है। आस्तीन की हमें मोरी जो रखनी है, हम हमारी फिट जो मोरी है 6 इंच है, हमको घेरा बनाना है थोड़ा, तो हम इसमें 8 इंच की लूजिंग देंगे, तो हमें उसकी 14 मोरी रखनी है। 14 का यहाँ से आप सब देख सकते हैं, ये हमारी आ गई 14 मोरी। तो हम इसकी मोरी जो बनाएंगे बेल मोरी बनाएंगे बेल। अब हमको इसका चेस्ट का मार्क लगाना है, चेस्ट, हाँ
टेस्ट हमारा तो आ रहा है 28.5, हमको 28.5 का हाफ करना है। 28.5 का हाफ हमारा बना 14, तो हम यहाँ से 14, यहाँ से हम 14 रहेंगे। आधे इंच का इसमें दबाव जो देना है हमें, आधे इंच का इसमें दबाव देना है, तो हमारा ये बना 14.5, 14.5 हमारा ये मार्क आ गया। अब इसी हमको ये नीचे पेट का मार्क लगाना है, पेट जो हमारे इसका जो हमारा 39 पेट है, 12 इंच की लूजेंगे उसमें, तो 51, 51 का हमारा बना 25.5। अब हमको 25.5 का यहाँ पर हाफ करना है, तो बना 13, आधा इंच का मिसिंग मार्जिन रखना है, तो ये वाला हमारा आया 13.25। अब हमको इस मार्क से जो हमारा इसका बॉटम बॉटम हमारा है 67, हमको 67 का हाफ करना है, हमको यहाँ से तो बॉटम नापना है। 67 का हाफ हमारा बने 33 नोट, तो 33 नोट हमारा ये बिल्कुल आखिर कोने पर आ गया, तो हमारे ये आखिर आ गया कोने पर। मैं मार्क थोड़ा गहरा करता हूँ, ये हमारा मार्क आया, तो हमें ये मार्क पहले इस मार्क से हमको ये मार्क मिलाना है। और ये मार्क से हमको ये मार्क मिलाना है, इसको जितना घेरा बनेगा अच्छा लगेगा। तो हम इसको बड़ी पट्टी लेते हैं, ये बड़ी पट्टी हमको वहां वहां से यहाँ पर मिलानी है। सामने बॉटम को मार्क लगाया है, तो हम इस मार्क को सीधा करते हैं। ये हमारा साइड का मार्क लग चुका है। अब हमको यहाँ से आगे, अब यहाँ से हमको इसका हाफ हाफ करना है। पहले हमारा इसका हाफ बैठ गया है 18.5, 18.5 का हाफ हाफ हमारा बना 9, तो हमने ये 9 पे मार्क लगा दिया। हमको ये मार्क यहाँ से सीधा कर लेना है, और यहाँ से हमको इस मार्क पर ये गोलाई दे देनी है बेल की। मार्क से हमको ये यहाँ ये गोलाई निकाल देनी है बेल मोरी की, और कम से कम 3 इंच हटा के ये मार्क को हम इस मार्क पे मिला देना है। ये हमारी बेल मोरी है, ये हमारी से मोरी आ जाएगी। आपको और ज्यादा मोरी रखनी है तो आप यहीं से इसकी ये मोरी बढ़ा सकते हैं नीचे को, और ज्यादा रखनी हो तो आप यहीं से इसकी मोरी बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा रखनी है तो और मोरी यहीं से बढ़ा सकते हैं इसके नीचे जितनी करनी है। ये हमारा चेक का मार्क होगा। अब हमको यहाँ से 7 इंच का इसमें गला बनाना है, 7 इंच का मार देना, हम 7.5 पे आगे मार्क लगा देना है। इस मार्क को ये मार्क सीधा कर लेना है। ये हमें 20 mm में बनाना है गला। या अल्लाह, ये हमारे हवाई के मार्क सब लग चुके हैं, और यहाँ से हमको ये अरम अरम उनकी गोलाई निकाल लेनी है। यहाँ पे हमको दबाव कम रखना है, हमको अरम उनकी गोलाई निकाल देनी है। ये तो हमें इस पे सिलाई लेनी है, और थोड़ी हम इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा मार्जिन रखेंगे आराम के लिए, ऐसे तकरीबन 1.5 इंची का इधर, तो हमें ये उतने ज्यादा काटना पड़ेगा। और इसमें हमारी आखिरी जॉइंट है, यहाँ तक हमारा शोल्डर आ जाएगा। शोल्डर के बाद भी आगे जो देख सकते हैं हमारी सारी आस्तीन है, और हमको ये ऊपर के 2 पल्ले काटने हैं। हमें 20 mm में गला लेना है, और हमें जो इसमें
5 सेंची की, यानी कि हमें 2 इंच की पट्टी अलग से लगानी है बोर करने के लिए। उसमें हम थोड़ी पाइपिंग लगाएंगे, हमें ये 2 इंच की पट्टी यहाँ से अलग लगानी है। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देख सकते हैं हमारा दुबई मॉडल अब आया है, तो हमने सारे इसके मार्क्स लग चुके हैं। हमको यहाँ से इसकी मार्क की कटिंग करनी है, और जो हमने जो ऊपर वाला मार्क लगाया है, और हमको इसी मार्क पे ही कटिंग कर देनी है। और जो हमारा पीछे का पीछे पीछे हमको जितना हमने इधर लगाया है 3 इंची का, 3 इंची का हमको ये बैग निशान लगाना है। ऊपर से आधा इंच हटा के हल्का से इसमें हमको ये शेप बना देना है। वैसे राउंड काटना है, तो हम ये कपड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं जिससे हमारा हाथ आसानी से पहुंचे उधर। ये इधर हम थोड़ा ज्यादा काट रहे हैं, थोड़ा मार्जिन भी चाहिए, और हमको ये डबल फोल्ड करना है, पक्की लब बनाना है, तो ये थोड़ा ज्यादा काटना पड़ेगा। और वो लोग नहीं करेंगे, ये हमारा जो है इधर इधर हम ये काट देते हैं, जो किनारा है ये काट देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा अबाया कट चुका है पूरा। ये हमारा अवाया कट चुका है, अब हमको इसे काटना है थोड़ा आस्तीन के लिए। ये देख सकते हैं हमारी बेल है, हमको इसमें लगानी है पाइपिंग, तो हम इसमें इसमें थोड़ा डिजाइनदार पाइपिंग लगाएंगे। तो हमको इसमें थोड़ी वेल्डिंग की पट्टी लगानी है, तो हम सर इसमें थोड़ा ये इसमें थोड़ा ये घुमाकर पाइपिंग लगाएंगे, तो हमें इसके लिए भी कपड़ा काटना पड़ेगा। तो हम हमको ये काफी रखनी है, तो इसी हिसाब से हमको ये कपड़ा काट लेना सारा। ये हमारा इधर कपड़ा हमको पहले
ज्यादा काट लेना। उसके बाद हमको ये कपड़ा, ये जैसा हमारा कपड़ा है, हमको 1 सेंटीमीटर इधर ज्यादा काटना है, 1 सेंटीमीटर हमको इधर ज्यादा काटना है, तो सबसे हमको ये कपड़ा ये काट देना है। यहाँ से इधर बराबर ही काटना है। और यहाँ से हमको ये बराबर ही काटना है, इधर हमको 1 सेंटी है ज्यादा काटना है, हम 1 सेंटी हमको ये नीचे ज्यादा काटना है, तो ये हमको ये ये हमारा आस्तीन का मोरी पाइपलाइनिंग है, ये हमारी आस्तीन की मोरी कट चुकी है। अब हमको काटनी है इसकी, जो हम इसमें 2 इंच की पट्टी लगाएंगे, हमको पट्टी काटनी है दूसरे कपड़े की, तो हम इसकी पहले ये सेफ्टी पिन निकाल देते हैं सारी। ये हमारे इस कपड़े में थोड़ी शाइनिंग है, हमें इसमें से पट्टी लगानी है। हमें इस पर एक सामना बिछाना है, ये तो इधर तो हमें जैसा हमारे हमने बी बी शेप में काटी है, ये तो हमें सेम सेम काट लेनी है इधर की, जिससे हमारी ये पट्टी, हम सिलाई के बाद हमारी पट्टी फोल्ड करेंगे तो अच्छी बैठेगी। ये हमको अभी यहाँ से कपड़ा हटा देना है, और पट्टी नाप लेनी, पट्टी हमारी कितनी, पहले पट्टी हमारी 2 इंच की है, हमें तो ये 2.5 इंच की पट्टी काटनी है, तो हमको अभी यहाँ से 2.5 इंच के मार्क मार्क लगाने हैं, 2.5 इंच के, 2.5 इंच की पूरी पट्टी हमें काटनी है, तो 2.5 इंच की काटेंगे तो हमारी 2 इंच की पट्टी तैयार आएगी। ये हमारी पट्टी इधर कट चुकी है, ये पट्टी हमको ऐसे करके इसको लगानी है। इसको ये हमारी साटन है, इसमें हमारी साइनिंग थोड़ी, इससे हमारा डिजाइन थोड़ा अच्छा बनेगा। तो हमारी कटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है, तो हम इसकी करते हैं स्टिचिंग, तो आपको स्टिचिंग फुट दिखाते हैं। और अब हमको इसमें से पटन टिक की पट्टी काट लेनी है, यहाँ देख सकते हैं हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी आ रही है, पूरे हमको एक पटन टिक काट लेना है, जिससे हम टिच बटन लगाएंगे। यहाँ से हमको लेंथ नाप लेनी है,
लेंथ क्या रही, 51। ये हम इसको बटन टेक काट लेते हैं। बटन टेक हमको काटना है 2 इंची चौड़ा, 2 इंची का मार्क हमको इधर लगाना है, ये इसके सेंटर पर लगा देना है, और एक हमें ये आखिर में लगा देना है। पहले है कि हमारा जो कपड़ा था कम भर्ती हो रहा है। बटन टे भाई बटन टेप आ गया, तो हमारा ये अब आया, ये कर चुका है। अब हम इसकी करेंगे स्टेचिंग, तो आपको हम दिखाएंगे फुल वीडियो इंशाल्लाह। तो हम करते हैं इसकी स्टेचिंग, तो आइए। ये हमारी पाइपिंग है, तो हम इसकी करते हैं स्ट्रेचिंग। गाइस हमें इसमें एक लगानी है, हमको इसमें लगानी है पॉकेट। तो हमारा जो ये अरम होन का मार्कर, हमको यहाँ से 7 इंची नीचे हटाना है, और 7 इंच का हमें इसमें पॉकेट का मुंह बनाना है। ये हमारे हमारी पॉकेट है, तो हम इस पे मार्क लगा देते हैं पॉकेट के, और हम काटते हैं पॉकेट का कपड़ा। पॉकेट हम काटेंगे इसकी 17 इंच लंबी काटेंगे और 8 इंच चौड़ी। तो आप ये देख सकते हैं मेरी लंबाई इसकी 19 इंच है। मिल इधर से सीधी कर लेनी है, और हमको 8 इंच में इसका नीचे का घेर रखना है, और 17 इंच की लंबाई कम से कम को रखनी है। तो हमारी 17 इंच लंबाई आ गई। एक चीज हमको इससे मिला देनी है, और नीचे पॉकेट का हमको घेर दे देना थोड़ा, तो हमको इस मार्क पे कटिंग कर देनी है। ये हमको ऐसी गोलाई में काट देनी है। ऐसी हमको ये थोड़ा ज्यादा हद ज्यादा काटनी है बड़ी। ये देखते हैं हमारी पॉकेटें कट चुकी हैं, तो इसमें अटैच करेंगे यहाँ पर। पॉकेट हमारी इतने सेम आएगी, हमको इसमें चेन भी लगानी है, चेन के साथ से हम अटैच कर देंगे, ये जगह हमारी नीचे पॉकेट का घेर रहेगा। तो शुरू करते हैं।